हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक नया कंसेप्ट जिसको बोला गया है सुपर कंडक्टिविटी। ओके, चलिए समझते हैं इसके पीछे कंसेप्ट को। एक फिनोमेना है, यानी कि सिनेरियो है बेसिकली, जिसमें एक सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसमें जो कुछ मेटल्स और एलॉय जो होते हैं वो अपनी रेजिस्टिविटी को खो देते हैं, यानी उनके पास रेजिस्टिविटी बचती ही नहीं है और कंप्लीटली सिर्फ उनके पास कंडक्टिविटी बचती है, उसी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं यही बोलूँगा कि नाम से ही क्लियर है कि सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट वो जब मूव करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? कोलिजन्स होता है, टकराते हैं आपस में, वो होती है कंडीशन कंडक्टिविटी की। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है एकदम फ्रीली चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे, उनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, यानी आपस में वो टकराएंगे नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जिसको कोहेरेंट पैटर्न बोलते हैं उसमें वो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यही है सुपर कंडक्टिविटी कि कुछ फिक्स टेम्परेचर पे अगर कुछ मेटल्स और एलॉय आपको ऐसे परफॉर्मेंस देते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो लूज कर जाती है, यानी कि रेजिस्टिविटी होती नहीं है, और उस कंडीशन में जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो होती इनफाइनाइट। ओके, उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ओके, अब बात करते हैं, जो हम ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप सोचिए, सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर होगा, उसको हम कुछ टेम्परेचर देंगे, स्पेसिफिक सर्टेन टेम्परेचर देंगे, तब जाकर के वो जो नॉर्मल कंडक्टर है वो कन्वर्ट होता है किसमें? सुपर कंडक्टर में। तो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वही लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्लियर है आपको कि ऐसा टेम्परेचर जो कि उस सब्सटेंस को नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो ये सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी दिए थे वो दिए थे कैमरलिंग ऑन्स ऑफ नीदरलैंड, यानी कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैमरलिंग ऑन्स। ओके, जो कि नीदरलैंड के थे, और ये जो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी थी वो दी गई थी 1911 में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपर कनेक्टिविटी क्या है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बार बार घुमा के बोला गया है, पर यहाँ पे एक चीज़ है कि हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ओके, तो उसी टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिस पर ये रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है, उसी टेम्परेचर को बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया थे कि एक कंडीशन आती है जब इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है एंड जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है। अब बात करते हैं ये जो टेम्परेचर है जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं, एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, लगभग ये 0.1 केल्विन से लेकर के 10 केल्विन तक की होता है। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि मर्क्यूरी जो है वो रिड्यूस यानी कम हो जाती है जीरो पे। ये क्या बात करें, हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं कि मर्क्यूरी के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है और जो उस समय टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज 4.153 केल्विन। ओके, अगर हम यही बात करें टिन के केस में तो जो टेम्परेचर होता है उस समय होता है 3.72 केल्विन, और नायोबियम के केस में ये होता है 9.2 केल्विन। तो इन टेम्परेचर्स पे बेसिकली उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ओके, और एक एग्जांपल है कि हीलियम की जो रेजिस्टिविटी हो जाती है वो जीरो होती है कितने टेम्परेचर पे? दैट इज 2.19 केल्विन टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे रेजिस्टिविटी जीरो होती है एंड कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो जो ग्राफ है बेसिकली रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में दिखाया गया है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी एकदम से तेजी से ग्रो करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम और आगे टेम्परेचर इससे बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टिविटी है
और इन द कर्व शेप में वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो ग्राफ था वो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में था फॉर द केस ऑफ द सुपर कंडक्टर। अब बात करते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी आई क्यों, उसका कारण क्या था, चलिए समझते हैं। अभी तक साइंटिस्ट भी इसकी रिसर्च ही कर रहे हैं कि ऐसा क्या है उस क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम नॉन कोलिजन मोशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। ओके, पर ये अज्यूम किया गया है, माना गया है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सुपर कंडक्टर में वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। ओके, बल्कि वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। अभी म्यूचुअली डिपेंडेंट क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट यानी कि वो एक के पीछे एक, जैसे आपने कई बार स्टूडेंट्स चींटियों को देखा होगा कैसे वो एक के बाद एक के पीछे एक चलते जाते हैं और आपस में टकराते कभी भी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं टकराते हैं, उसी टाइप से यहाँ बोला गया कि ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और उसके बाद ये भी बताया गया कि इसी को एक बिहेवियर बोला गया है जो कि कोहेरेंट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है, कि यानी सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक के पीछे एक चलेंगे तो सीधी सी बात है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उनके बीच में कभी भी कोलिजन्स यानी कि आपस में टकराएंगे नहीं, और जैसे कि वो आपस में टकराएंगे नहीं तो रेजिस्टेंस होगा नहीं, और जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसको बोल देंगे हम जीरो रेजिस्टेंस हो चुका है, एंड जो कंडक्टिविटी है वो अपने इनफाइनाइट फेस पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कारण। एक्चुअली इसकी भी 100% पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशंस हैं, क्योंकि इसका कॉज जो है साइंटिस्ट लोगों को भी पता नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी यूज कहाँ कहाँ होती है। तो इस सुपर कंडक्टर्स का जो यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में होता है, सबसे पहला यूज है। सेकेंड, इसका जो यूज है वो फिजिक्स के बहुत सारी साइंस की जो रिसर्च होती है वहाँ किया जाता है, एंड हाई एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे यूज होते हैं। ओके, थर्ड यूज है, इन सुपर कंडक्टर का जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में किया जाता है, एंड द लास्ट यूज इज इस सुपर कंडक्टर का यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।